हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीने की चौड़ाई जितनी है वो माप लेते हैं। अगर सीने की चौड़ाई 20 इंच है तो हम 21 इंच लेते हैं, 1 इंच मार्जिन के लिए। कपड़े को बीचों बीच मोड़ के आपको दाग लगा देना है और फिर कट कर लेना है। कट करने के बाद कपड़े को खोलेंगे और फिर से उसे बीच में मोड़ते हैं। ये हम ब्लाउज की लंबाई नाप लिए, लंबाई 13 इंच है, तो इसमें 2 इंच मार्जिन दीजिएगा आप, क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग मोड़ते भी हैं इसमें। और आपको पीछे का पल्ला आधा इंच छोटा रखना है। लंबाई 13 इंच है और 2 इंच का मार्जिन, और आगे का पल्ला हाफ इंच का थोड़ा ज्यादा रखना है। ये फालतू कपड़ा था तो हमने कट कर दिया। आर्म होल के लिए आपको 6 इंच लेना है चौड़ाई, और नीचे की तरफ 5 इंच। अब यहाँ पे हाफ इंच का गोलाई देना है, और आपको नीचे से भी हाफ इंच देकर कर्व करके ऐसे ही काटना है। ऐसा इसलिए काटते हैं कि कमर का हिस्सा पतला होता है और सीना का थोड़ा चौड़ा, तो उस वजह से। अब यहाँ पे गले के लिए बेसिकली 2 इंच रहता है और शोल्डर के लिए 3 इंच। यहाँ पे हम 2 इंच देंगे गले के लिए और 6 इंच लंबाई। यहाँ पे हमने 2 दाग इसलिए लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको इसके बीच में ही काटना है। अब यहाँ पे जो शोल्डर के पास कपड़ा में जोड़ है उसे कट करके हटा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे थोड़ा बहुत साइड से हटा देंगे। अब ये पीछे का पल्ला है छोटा वाला, तो पीछे के पल्ला में कितना दूर तक आपको कट करना है वो आप निशान लगा दें। यहाँ पे हमने पीछे का पल्ला में जितना बड़ा या छोटा गला रखना है उतना निशान लगा के दाग लगा दिया है। अब पीछे का पल्ला का हम लोग कटिंग करेंगे। ध्यान रहे, हमने यहाँ सिर्फ 2 ही पल्ला को, मतलब 2 लेयर को ही कट किया है। यहाँ पे डोरी के लिए निशान लगाएंगे पीछे के पल्ला में। पीछे का पल्ला का काम कंप्लीट हो गया। अब आगे का पल्ला, ब्लाउज है तो उसकी गला नाप लें आप। अब यहाँ से बटन पट्टी की लंबाई चौड़ाई नाप लें। बटन पट्टी की जितनी लंबाई है उतनी आप नाप लें, और फिर यहाँ 5 इंच और 4 इंच का नर्मदा कट के लिए आप निशान लगा दें। अब इसे कट कर लें और इस पल्ले को बीचों बीच कट कर लें, तो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कहीं समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाजू के लिए हम लोग पहले ही मोड़ी का 1 इंच ले लेते हैं। अब डायरेक्ट जितनी बाजू की चौड़ाई है वो लेंगे और बाजू की जितनी लंबाई है उससे हाफ इंच ज़्यादा बढ़ाकर ले लेंगे। अगर मोड़ी पहले नहीं लेते तो बाजू के लिए हम लोग 1.5 इंच लेते हैं मार्जिन। लंबाई 4 इंच है, आपको निशान लगा देना है, और यहाँ पे 2.5 इंच। अब दोनों मिला के कट कर लेना है। तो दोस्तों, कटाई पूरी हो चुकी है। अब अगर आपको डोरी रेडीमेड लगाना हो तो दुकान में अवेलेबल है, या फिर आपको जो स्क्रीन पर लिंक दिख रही है आप वहां से खरीद सकते हो। नहीं तो अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हो तो पतली डोरी काट लें आप ऐसे ही, और फिर इसे ही डोरी बनाने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कपड़े की डोरी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो
पूरी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने सारे को अरेंज कर दिया है और यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला और बाजू। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।